पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच जो जाने तिस सदा सुख होए आप मिलाई लई प्रभ सोए ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआव जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहां दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी राम कली सत एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग दाता भगत वत्सल तेहो लोए जियो जग दाता सोए भगत वत्सल तेहो लोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो जग दाता सोए भगत वत्सल तेहो लोए जियो परम सन्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख सरूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी परम पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके डेरा भगतां वाला नगर तरसिक्का विखे बहुत ही निर्मल आत्मा पवित्र आत्मा परोपकारी आत्मा सेवा और सिमरन दे पुंज निर्माण मूर्ति त्याग और वैराग दे मुजस्मे महापुरख संत बाबा प्रीतम सिंह जी दे दुसहरे दे समागम ते आपा हाजरियां भर के अपना मनुखा जीवन सफल कर रहे हां। सतसंग जी जो मैं महापुरख संत बाबा प्रीतम सिंह जी दे दर्शन कीते जां उन्हां दी संगत मैं जदों कदे ओह दमदमी टकसाल दे हैडक्वार्टर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता जांदे उदों मैनूं उन्हां दी संगत प्राप्त हुंदी जो मैं तखलस उन्हां दे सन्मान हित जो शब्द वरते है ये शब्द भी बहुत थोड़े हैं
संसार दे अंदर करनी कमाई वालियां बेअंत आत्मा संत महापुरख हन, पर असल मायनिया विच संत ताई दे मार्ग ते चलन वाले जिहड़े हुंदे आ उह कोई विरला ही हुंदा। जग मैं उत्तम कढ़िए विरले के ही के संत बाबा प्रीतम सिंह जी उन्हां विरलियां विच्चों सन। तुसीं भी उन्हां दी संगत कीती है, दर्शन कीते है, उन्हां दी पारस शोह दा तुसीं भी आनंद माणिया। सारा जीवन उन्होंने सेवा सिमरन और परोपकार अर्थे अपना जीवन सफल किया। ऐसे महान महापुरखों की मिठी याद और उन्होंने विछोड़ा पिछले दिन ही वह सचखंड प्याना कर गए। मैं समझना इस इलाके की एक महान पवित्र आत्मा साडे विच्चों चली गई। उन्हां दा बहुत वड्डा घाटा जो सानू महसूस हो रहा। आप जी ने पिछले 10 दिनों तो अज उन्हां दा दशहरा है। उन्हां महापुरखां वल्लों इस स्थान की जिन्हां नूं सेवा सौंपी गई है, सत्कार जो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी तरसिक्के वाले, उन्होंने सतगुरु जी की गुरबाणी के प्रवाह भी लगातार चलाए। गुरबाणी की कथा, जैत श्री दी वार की कथा, सहस्कृति बाणी की कथा, नितनेम और कीर्तन, उन्हां दी याद विच सारा प्रवाह चलता रहा है। हुणे आप जी ने दमदमी टकसाल के प्रसिद्ध रागी जथे भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी के जथे तो गुरबाणी का वैरागमई बहुत ही रस भिन्ना कीर्तन सुनिया। संगत जी, समा बहुत संकोचमा है, जे मैं संत बाबा प्रीतम सिंह जी के जीवन उत्ते बोली जावांगा तो सतगुरु जी की बाणी रामकली सत की कथा नूं बहुत समा लग जाएगा। इस करके संखेप समय विच आपां रामकली सत बाणी की कथा सुनीए। गुर इतिहास विच आउंदा है कि जे कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता है उस दे निमित्त सत बाणी का पाठ किया जाए, सत बाणी की कथा की जाए, तो विछड़ी हुई आत्मा नूं सतगुरु अपने चरणों च निवास बख्श देंदे। इन्ना वड्डा फल इस बाणी का पाठ करन दा है और कथा करन दा है। और ये मर्यादा भी है, दशहरे वाले दिन सहज पाठ का भोग पा के फिर रामकली सत बाणी का पाठ किया जाता है। जे अखंड पाठ साहब किया जाए तो अखंड पाठ साहब के भोग से भी सत बाणी का पाठ किया जाता है। ये सतगुरु जी ने, धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने यह मर्यादा आप बन्नी है। रामकली सादी जो अथानका है, संखेप विच बेनती करा, जदों धन गुरु अर्जन देव साहिब जी श्री गोविंदवाल साहिब अपने वड्डे मामा भाई मोहन जी महापुरख पासों धन गुरु अमरदास जी ने जो गुरबाणी दियां पोथियां अपने पोतरे भाई संस राम तो लिखवाइया सन, वह बाणी दियां पोथियां सतगुरु जी लैन गए। भाई मोहन ने धन गुरु अमरदास साहब जी की आग्या नूं पा के, क्योंकि श्री गुरु अमरदास साहब जी के वचन सन कि भाई मोहन ये गुरबाणी का खजाना, ये गुरबाणी दियां पोथियां तुसीं साढ़े पंजवें सरूप श्री गुरु अर्जन देव जी नूं सौंपणियां, होर किसी नूं भी यह खजाना नहीं देना, ये वचन तुसीं साडा सिर मत्थे प्रवान करके रखना। तो वह बचना नूं मन के बाबा मोहन जी ने सतगुरु जी नूं वह पोथियां सारियां सतगुरु जी दे गुरबाणी दे खजाने दियां, जिन्हां विच धन गुरु नानक देव जी तो लैके तीजे पातशाह तक सतगुरां दी सारी बाणी अंकित
सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ने अपने पोतरे भाई संसराम तो एकत्र करवाई लिखवाई। गोविंदवाल साहिब अपनी हजूरी विच आप सारिया पोथियां भाई संसराम तो लिखवाइया। वो पोथियां बाबा मोहन जी ने सतगुरु जी दे सपुरद कीतियां। फिर भाई मोहरी सतगुरु गुरु अमरदास जी दे छोटे साहिबजादे श्री गुरु अर्जन देव जी के चरणों में आए बेनती की, महाराज परिवार की इच्छा है, तुहाडा नानका परिवार है। धन गुरु अर्जन देव जी के नानके श्री गोविंदवाल साहिब सन। महाराज अपने नानके घर चलो, साड़ी इच्छा तुसी चरण पाओ, अज का दिन अज की रात सानू सेवा बख्शिश करो। तो उस वक्त सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी अपने छोटे मामे भाई मोहरी जी की बेनती प्रवान करके परिवार के पास सतगुरु जी गए। बड़ी श्रद्धा नाल सारे परिवार ने सेवा की, रात बतीत करके हजूर ने अमृत वेले इशनान करके बौली साहिब भी आप इशनान किया। आप इशनान करके नितनेम करके भाई मोहरी नूं बुलाया, कह लगे भाई मोहरी जिथे धन गुरु अमरदास साहिब जी का ब्यास दरा दे कंढे ते दिवरा है, जिथे श्री गुरु अमरदास जी का संस्कार किया है, और जिथे साढ़े पिता धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का संस्कार किया, दिवरा साहिब बनिया होया है, साड़ी माता माता भानी जी का जिथे संस्कार होया, जिथे उन्हों का पावन दिवरा साहिब है, यादगरी स्थान है, उत्थे आपां दर्शन करन वास्ते चलिए। ता सतगुरु जी ने सब तो पहला तीसरे पातशाह जी दे दिवरा साहिब नूं जाके नमस्कार कीती, परिक्रमा कीतियां, कड़ा प्रसाद दी देख मंगा के भाई मोहरी जी दे कोलों उत्थे अरदास कीती। फिर श्री गुरु रामदास साहब जी दे माता भानी जी दे दिवरे नूं नमस्कारां करके परिक्रमा करके श्री गुरु अमरदास जी के दोहरे के पास आके सतगुरु जी नमस्कार करके बैठ गए। उस समय सतगुरु जी का श्री गुरु अमरदास जी का सारा परिवार सतगुरां के पास संगत विच सजिया होया है। तो सतगुरु जी ने भाई मोहरी के पोतरे भाई मोहरी के पुत्र सन भाई आनंद जी, आनंद के पुत्र सन भाई सुंदर, भाई सुंदर जी, सुंदर जी नूं सतगुरु जी ने उस वक्त बचन किया। धन गुरु अर्जन देव जी ने कहे भाई सुंदर जो तीसरे पातशाह जी ने ज्योति जोत समाउण वेले ज्योति जोत समाउण दा कौतक करन वेले जो बचन परिवार नाल संगतां नाल सांझे कीते सन, जो उस समय गुरमत दी सिक्ख्या उपदेश संगतां नूं दित्ते सन, वो सानू अपने मुखार बिंद तो आप सुनाओ। असी गुरबाणी विच वो सतगुरां दे सारे उपदेश शामिल करने हैं, दर्ज करने हैं। उस वक्त भगत सुंदर जी, क्योंकि महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरां वाले, महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने भाई सुंदर दे प्रथाए भगत सुंदर जी शब्द वरते हैं। इस करके महाराज साहब भी उन्हों का बहुत सत्कार करते सन पंचम पातशाह जी। सो भगत सुंदर जी ने उस समय यह सत बाणी सतगुरु जी की आग्ञा पा के आप धन गुरु अमरदास जी के दुहरे पास बैठ के उच्चारण की है। ये बाणी भाई सुंदर जी की है। कई कह देंगे भी वार्ता बचन सुनाए बाद दे विच भाई गुरदास जी ने गुरु अर्जन देव जी के मुखार बिंद तो इस वारतक रचना नूं बाणी बना के श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच शामिल कीता, ये गलत है। भाई संतोख सिंह जी ने भी लिखिया ये बाणी ही भाई सुंदर ने उचारी है। वो बाणी ज्यों दी त्यों धन गुरु अर्जन देव जी ने भाई गुरदास जी तो श्री रामसर साहिब गुरद्वारा साहिब जो श्री अमृतसर साहिब है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप लिखाउण वेले आनंद साहब तो बाद ये बाणी सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच शामिल की। तुसी वेखोगे एक पासे आनंद साहिब है, एक पासे राम कली सद है। आनंद साहब खुशियां बख्शन वाली बाणी है, सद की बाणी वैरागमई है।
सतगुरु जी ने कैसा सुंदर समेल किया कि सिख ने खुशी विच भी और गमी विच भी जां प्रसन्नता विच भी वैराग दे विच भी दोनों वक्त अपनी बिरती नूं समान अवस्था दे विच जीवन मुक्त महापुरखां वाली अवस्था दे विच अपनी बिरती नूं अपनी अवस्था नूं ढाल के रखना और सुख अते दुख नूं दोनां नूं प्रभु दी रजा समझ के इस नूं सिर मत्थे प्रवान करना। इस करके सतगुरु जी दे चरणां विच भाई सुंदर जी ये बाणी उचार रहे है। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी आप सरवण कर रहे हैं, संगतां नूं सुना रहे है। इस शब्द की जिहड़ी कथा है सात संगत जी ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਰਾ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਕਾਰਾ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਤ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੰਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਨਾਮ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਸ਼ੰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਸ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਲੰਮੀ ਹੇਕ ਕਰਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਦ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਮਾਹੀ ਪਾਣੀ ਘਾਹੋ ਮੁੱਤੋਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲੀਆ ਕਾਈ, ਕਾਈ ਸ਼ੋਕ ਪਿਓ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਇਹ ਸੱਦ ਉਚਾਰੀ ਕਿ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸੱਦ ਹੇਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਦ ਬਾਣੀ ਸੱਦੜਾ ਭਾਵ ਸੰਦੇਹਾ ਹੁਕਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਅਟਲ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਆਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਦੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ, ਔਰ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਸਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰ, ਕਤਹਿ ਨਾ ਭਇਓ ਦੂਰ ਆਈ। ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਮੇਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦਵੈਤ ਮਿਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ।
ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਸਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਓਅੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਗੁਰ ਚੇਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ ਸੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸੋਏ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਭਗਤ ਵਛਲ ਤੇ ਹੋ ਲੋਏ ਜੀਓ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। 36 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਹੀ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਗੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸਾ ਰਸ ਆਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਈ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵਤਸਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿਹੋ ਲੋਏ ਜੀਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਤ੍ਰਿਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੇ ਜੀਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੇ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਾਧਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਈ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੁਆਰਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਜੀਓ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਰ ਹੋਰ ਕੋਈ
किसी भी साधन द्वारा वाहिगुरु दे विच अपेता नहीं होंदी, उनू प्राप्त नहीं किया जाता। अवरो न जाने शब्द गुर कै, इस करके अवरो न जाने शब्द गुर कै, गुरु दे शब्द द्वारा ही उस विच अभेदता होंदी है, होर किसे तरह करके वाहिगुरु नू जानिया नहीं जांदा, प्राप्त नहीं किया जांदा। एक नाम ध्यावहे, एक उस वाहिगुरु दा नाम सुरत द्वारा अठे पहर ध्याया करो, सुरत नू जोड़ के रख्या करो, नाम विच अपनी बिरती ला के रखो, एक वाहिगुरु दे नाम नू ध्याउण नाल ही उहदे विच समाया जांदा। बार बार उपदेश दे रहे हैं तीसरे पातशाह जी दे बचना नू, भाई सुंदर जी साध संग जी दोहरा रहे हैं। प्रसाद नानक गुरु अंगद, के धन गुरु नानक देव महाराज जी की प्रसाद कृपा हुई ता गुरु अंगद देव जी महाराज जी नू गुरु नानक साहब ने अपना रूप बना लिया, अपने विच मेल लिया। परम पदवी पावहे, जिहड़ी सब तो वड्डी पदवी गुरता गद्दी दी सी, गुरता गद्दी दी दात सी, ओ धन गुरु अंगद देव महाराज जी ने पावहे प्राप्त कीती धन गुरु नानक देव महाराज जी की कृपा द्वारा। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने गुरु अंगद देव जी नूं परम पदवी अपनी अभेदता दी दे करके अपना स्वरूप बना लिया, अपने विच मेल लिया। आया हकारा चलण वारा, ते गुरु अंगद देव जी ने परम पदवी सानू बख्शिश कीती जदों 12 साल खडूर साहब रह के धन गुरु अंगद देव जी दे चरणां विच सेवा कीती, ते ओ परम पदवी असी गुरु अंगद देव जी दे दर तों प्राप्त कीती, तीसरे पातशाह कह रहे हैं। इस करके हुण आया हकारा चलण वारा, हुण भाई सारे परिवार नूं महाराज कह रहे कि उस वाहिगुरु दा सद्दा आ गया। देखो साध संगत जी, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह महाराज जी इन्नियां शक्तियां दे मालक, सर्व कला समर्थ, किन्ने मरे हुए उन्होंने जीव ज्यौंदे कीते गोविंदवाल साहिब विच, माता विधवा का पुत्र तेईये ताप करके चढ़ाई कर गया। भाई बल्लू नूं सतगुरु जी अमृत वेले कहन लगे बड़ी दुखदायक कीरने पैण की आवाज आ रही है, इस करके की दुख तकलीफ है नगर विच किसे नूं पता करो। भाई बल्लू जी गए कहन लगे महाराज एक माता विधवा का पुत्र सी नौजवान, वह चढ़ाई कर गया ता माता बिरलाप करती है। सतगुरु कहन लगे माता नूं कह दिओ जाके बिरलाप ना करे, सवेरे दीवान विच अपने पुत्र का शरीर लैके हाजिर हो जाए। अमृत वेले सतगुरु जी समाधि तो उठे, दीवान सजिया, अपने चरणा का अंगूठा मत्थे नूं ला के माता का पुत्र जिउंदा कर दिता। और जदों पुत्र जिउंदा कर दिता फिर बचन कर दिते कि अज तो बाद मापिया अगे पुत ना मरसी, किसी माता पिता दे अगे उन्हां दे बच्चे की मौत नहीं होएगी। 22 साल तो उत्ते धन गुरु अमरदास साहब जी गोविंदवाल साहिब विच रहे, किसी पशु पंछी मनुख की मौत नहीं मुड़के हुई। गुरबाणी विच बचन आया देख प्रताप सुत भान डरियो, हे गुरु अमरदास साहब जी तुहाडा प्रताप वेख के, एडा वड्डा तुहाडा तेज वेख के, तुहाडी शक्ति नूं वेख के सूरज का पुत्र धर्म राजा भी डरदा, वह भी जमा नूं इस पुरी विच नहीं भेज सकता। प्रसाद संगत जी ऐसियां शक्तियां दे मालक सतगुरु, काल नूं भी बन दिता रोक दिता, पर अज कह रहे हैं नहीं भाई वाहिगुरु दे भाणे नूं आप अपने उत्ते प्रवान करन वाले सतगुरु कहिंदे आया हकारा चलण वारा। हुण हकारा सदा आ गया उस वाहिगुरु दा, हुण साडी चलण दी वारी है, इत्थों संसार तो जाण दा वारी दा अर्थ हुंदा समां, संसार तो जाण दा इह समां आ गया। साध संगत जी, धन गुरु अमरदास साहब जी ने चौथे पातशाह महाराज जी नूं
अपने पास बुला के गुरता गद्दी बख्श दित्ती गोविंदवाल साहब। कहन लगे पुरखा तेरी उम्र अज ही पूरी हो गई है, असी अपनी उम्र दे विचों 6 साल तो उत्ते कुछ महीने तेनू अपनी उम्र चो रेंदी चो तेरे जुम्मे तेरी झोली विच अपनी उम्र का हिस्सा पा रहे हैं, असी अज ही ज्योति जोत समावांगे ते तेनू असी अपनी उम्र बख्श रहे। देखो अपनी उम्र का हिस्सा धन गुरु रामदास साहब जी ने 6 साल कुछ महीने बख्शिश करके आप ज्योति जोत समा रहे। इन्नी शक्ति दे बरकतां दे मालक सच्चे पातशाह कह रहे आया हकारा चलण वारा, वो वाहिगुरू का चलण का वाहिगुरु की दरगाह नूं सठखंड नूं जाणदा, उस वाहिगुरू का सद्दा हुक्म आ गया है हर राम नाम समाया। हे गुरसिखो तुसीं हरी परमेश्वर रमे होए परमेश्वर का जो नाम है उस विच अपनी बिरती नूं समा के जोड़ के रखो, उसे दा हुकारा हुक्म सानू आया ते उसे वाहिगुरू दे नाम नाल जुड़ना करो। क्यों जुड़ो? जदों हकारा आएगा ना चलण वाला, जदों चले गए फिर वो परमेश्वर दे विच तुसी भी समा जाओगे, उदे विच अभेद हो जाओगे, जम्मण मरण कटिया जाएगा। जग अमर अटल अतोल ठाकुर, ठाकुर तो अर्थ शुरू हो रहा, ओ वाहिगुरु परमेश्वर जो ठाकुर उत्पत्ति ते पालना करन वाला संसार दी, ओ अमर है ते अटल है, मिणती तो रहत है, टलन वाला नहीं है और वो सदा ही अमर है। दुनिया मरदी है, अंड बनासी देर बनासी उत्पट सेत बनादा, पर वाहिगुरु अमर है, सदा रहन वाला है। भगत ते हर पाया, ओदी प्राप्ति किवें हुंदी है? भाई भगती द्वारा हरि नूं पाया जांदा ते उसनूं ओदी भगती द्वारा ही प्राप्त किया जाता, जिहड़ा अटल है अमर है और तोलन तो रहत है, जिहदी शक्ति कह लो जिहदा पसारा कह लो, ऐसा जो वाहिगुरु एडा वड्डा समर्थ है उस नूं भाई भगती द्वारा उस वाहिगुरु नूं प्राप्त किया जाता है। हर भाणा गुर पाया, ये गुरां नूं पा गया, गुरु ने प्रवान कर लिया। धन गुरु अमरदास जी के हरि दा भाणा उहदी रजा है हुण, गुर जावै हर प्रभ पास जियो। भाई मोहरी जी अनुभव कर रहे हैं हुण, इत्थों भाई मोहरी जी दा भाव चलेगा कि गुरु साहब हुण परमेश्वर दे पास सचखंड दे विच वाहिगुरु दे दरगाह दे पास विच जाण वास्ते सतगुरु की तैयारी है। हे प्यारिओ हुण सतगुरु सच्चे पातशाह हरि दी दरगाह सचखंड दे विच जाणगे, ये भाणा हुण सतगुरु नूं भा गया, उहनां दी इच्छा हो गई है, भा गया भाव है उहनां दा फुरना हो गया, इच्छा हो गई है कि हुण असीं सचखंड नूं जाणा, दूसरिआं नूं काल तों बचाउण वाले हुण अपनी इच्छा नाल ही अपना पंजां तत्तां दा शरीर त्याग रहे हैं, अपनी जो धन गुरु रामदास साहब जी दे सरूप विच विद्यमान कर दित्ती है, स्थापित कर दिती है। इस करके हुण सतगुरु नूं इह पा गया। भाई मोहरी जी कहिंदे कि सतगुरु जी हरि परमेश्वर की दरगाह सचखंड दे विच इह प्यारा जाणगे, उहनां नूं पौंदा है हुण। सतगुर करे हर पह बेनती, इह समां वेख के ना कि सतगुरु जी ज्योति जोत समा रहे है, उस समय सतगुरां दे चरणां विच भाई मोहरी ने बेनती की, कईयां ने इहदा अर्थ होर ही बना दित्ते, कहिंदे जी सतगुरां ने अरदास कीती जी, बेनती कीती। भाई सतगुरु तां आप परमेश्वर दा सरूप है, सरबग उत्ते अलपग दा कानून लागू नहीं कदे हुंदा, सरबग सरबग है, अलपग अलपग है, अलपग सरबग दे अगे प्रार्थना कर सकदा, अरदास कर सकदा, फरियाद कर सकदा, जोदड़ी कर सकदा, बेनती कर सकदा। इस करके मैं विस्थार विच ना जावां, सतगुरां दे पास चरणां विच भाई मोहरी ने अरदास कीती, बेनती कीती है, मेरी पैज रखो अरदास जीओ। हे प्यारे सतगुरु गुरु अमरदास जी, तुसी पिता स्वरूप भी हो
ते धन गुरु नानक साहब की तीसरी जोत भी हो, तीसरे स्वरूप भी हो। महाराज मेरी बेनती है, मेरी लोक प्रलोक दे विच मेरी पत ठकियो, मेरी सदा सहायता करियो सच्चे पातशाह। हर जन है केरी। हे महाराज मैं तुहाडा जन दास हाँ, तुसी परमेश्वर दा स्वरूप हो, मेरी लोक प्रलोक दे विच पैज रखियो, इज्जत रखियो सच्चे पातशाह। हर देहो नाम निरंजन। माया काल तो रहत शुद्ध परमेश्वर जो वाहिगुरु, उसने नाम दी दात मैनू भी बख्श दियो। गुरसिख ने भी अरदास कीती है, की अरदास कीती है गुरसिख भी करदा कि हे वाहिगुरु परमेश्वर सच्चे पातशाह, मेरी अरदास है कि मेरी लोक प्रलोक विच पत ढकियो, हर जुग जुग भगतो पाया पैज रखदा है राम राजे, क्योंकि पहला भी भगतां दी पैज रखी है अपने दासां दी। दासां दी पैज किवें रखी? उन्हां नूं नाम दी दात तुसीं दे दित्ती, उन्हां ने नाम जपिया फिर उन्हां दी पैज ढक ली, पत ढक ली। प्रहलाद दी पैज रखी, ध्रुव दी पैज रखी, उन्हां नूं सतगुरु ने हरी दा रूप होके नाम दिता सी, वो नाम दी कमाई करके वाहिगुरु ने उन्हां दी पत ढकी, पैज रखी। महाराज मेरी भी रखो। अंत चल दिया होए बेली। महाराज जदों अंत दा समा मेरे उत्ते आवे, भाई मोहरी जी कहिंदे उदों मेरे अंत दे समय मेरे सहायक होके, बेली दा अर्थ हुंदा साथी, अंग संग होके, महाराज मेरी जमा तो जां यूं कह लो अंत दे समय मेरी रख्या करो। गुर इतिहास विच आउंदा भाई मोहरी जी जदों गोविंदवाल साहब शरीर त्यागण लगे, उस वक्त फिर भाई मोहरी नूं धन गुरु अमरदास जी दे दर्शन होए, कहण लगे भाई मोहरी तू ज्योति साडे ज्योति जोत समाउण वेले साडे अगे बेनती कीती सी, उह तेरे नाल असीं जिहड़ा वचन कीता अज पूरा करन वास्ते आए। भाई मोहरी नूं सचखंड नाल लै के गए सतगुरु। इस करके ये गुर इतिहास विच जिक्र आउंदा है, अंत चलदियां होए बेली। ए महाराज अंत दे समय जदों चलांगे तां मेरे बेली सहायक, मेरे रखियक होके, अंग संग होके मेरी सहायता करियो सच्चे पातशाह। जिहड़े धर्म राजे दे दूत है ना, जिहड़े काल नूं लै के आउंदे आ, उह काल दा भय जिहड़ा उहनूं खंज नूं कट दिओ, दूर कर दिओ, मेट दिओ सच्चे पातशाह। ਉਹ ਭਾਈ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬੇਨਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਿਆ, ਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰੂਪ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਭਾਈ, ਸਾਬਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਕਹੋ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਧੰਨਤਾ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ,
जिवें भगत बाबा प्रीतम सिंह जी वर्गे साधुआं नूं मिलिया। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, हुण सतगुरु जी देखो किन्ना प्रेम साडे नाल कर रहे है। पुत शब्द अपने परिवार लई भी पहला वरत सकदे सन कि मेरे पुत्रो, नहीं महाराज कहिंदे मेरे सिख सुनो पुत भाई हो। सब तो पहला आपां नूं माण दिता ऐ मेरे गुरसिखो पुत्रो, ऐ पुत्र भाई मोहरी आदक भरावो, भा भाई दा अर्थ हुंदा संबंधी हो, जिन्ने भी संबंधी आए हो सारे। मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो, इस करके हरि वाहिगुरु दा भाणा हुक्म आ गया है कि वाहिगुरु दा की हुक्म आया कि हुण तुसीं साडे पास आ जाओ, साडी दरगाह सचखंड दे विच आ जाओ। ये हुक्म आ गया दरगाह तो, हे प्यारियो मेरे हरि दा परमेश्वर दा वाहिगुरु दा। हर भाणा गुर पाया, हरि दा भाणा गुरु नूं पाउंदा है, चंगा लगदा जो वाहिगुरु दी रजा। तेरा भाणा मीठा लागे, मिठा करके मन्या सतगुरां ने। मेरा हर प्रभ करे साबास जियो, ओ मेरे सतगुरु अठे पैर परमेश्वर नूं धनता दे योग, ओदा जस करन वाले सतगुरु हुण भी ओदी वडियाई कर रहे है। ए प्यारियो मेरे प्रभु दी वडियाई, ओदी कीर्ति ओनू धनता योग जान के ओदा जस, ओदी सिफत सलाह करो। यही गुरु नूं सब तो चंगा लगता, भाणा दा अर्थ हुंदा चंगा लगता जदों सिख परमेश्वर की कीर्ति करता, वाहिगुरु की वडियाई करता। कहिंदे वाहिगुरु नूं की चंगा लगता, जदों वाहिगुरु की हरी की भाई शोभा करोंगे, धनता योग जान के उहदी वडियाई करोंगे। प्यारियो ये कीती वड्याई वाहिगुरु नूं पा जावेगी, चंगी लगेगी। भगत सतगुर पुरख सोई, भगत भी ओही है, सतपुरख भी ओही है, सतगुरु भी ओ आप है। जिस हर प्रभ भाणा भावे, इहनूं वाहिगुरु दा भाणा उहदी रजा चंगी लगदी है। सतगुरु परमेश्वर दा स्वरूप है, सतगुर पुरख, पुरख परमेश्वर दा स्वरूप सतगुरु है। ते सतगुरां नूं तां उहदा भाणा चंगा लगना ही लगना। जिहड़े भगत है ना, ओही असली भगत है जिहनूं वाहिगुरु दा भाणा चंगा लगदा। धन भाई तारू सिंह जी, बाबा दीप सिंह, भाई मनी सिंह, इहनां नूं भाणा चंगा लग्गिया साध संगत जी। इस करके वाहिगुरु दा भाणा जिहनां नूं भा गया, चंगा लग्गा, प्रवान कर लिया, जिन्हां ने कोई गिला शिकवा नहीं किया। सतगुरु कहिंदे भाई ओही असल भगत है, ओही पुरख परमेश्वर दा असली भगत है। ए भी भाव सतगुरु जी दृढ़ करा रहे हन। आनंद अनहद वजह वाजे, जिन्हां नूं भाणा पा गया उन्हां दी आनंदमय अवस्था हो गई, आनंद नाल हिरदा भर गया, एक रस बिरती आनंदो आनंद हो गई। और वाहिगुरु दे नाम दा वाजा एक रस बिरती दे विच, स्वास स्वास रोम रोम, ये नाम की जिहड़ी संगीतक ठहराउंदी तार है ना, उन्हां दे हिरदे दे विच जारी हो जांदी। जिन्हां सास ग्रास ना विसरै हर नामा मन मन, धन से सेई नानका पूर्ण सोई संत। हद तो रहत वाहिगुरु दे नाम दे वाजे उन्हां दे अंदर चल पैंदे है, इउं आनंद आउंदा जिवें संगीत दे प्रेमियां नूं संगीत सुन के उहनां दा मन मस्त हो जांदा ना। परमेश्वर दा नाम जपण वालिआं दे अंदर जदों नाम दा प्रवाह चलदा ना, उस नाम दे विच्चों ऐसा आनंद, ऐसी मस्ती उहनां नूं प्राप्त हुंदी है, वाहिगुरू दे नाम विच्चों जुड़ जांदे ने, ऐसा रस उन्हां नूं प्राप्त हुंदा है। हद तो रहत उन्हां दे अंदर नाम दे प्रभाव दा वाजा चल पैंदा है। अठे पहर हर आप गल मिलावे, जिन्हां दी इहो जी अवस्था हुंदी है उन्हां नूं परमेश्वर अपने भेद कंठ निश्चय रूप गलन ला लैंदा है। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, हे गुरसिखो तुसी, हे पुत्रो भाई मोहरी मोहन आदक भाई संबंधियो, परिवार गुरसिख संगतो, ये सारा परिवार तुसी साडा हो, इस करके सुनना करो। मन वेखो
कर निरजास जियो। मन विच निर्णा करके वेखो चंगी तरह प्यारियो। तुर लिखिया परवाना फिरै नाही। वाहिगुरु दा परवाना जिहड़ा परवाना हुक्म दा लिखिया होया ना जान दा मात लोक तो ये फिर नहीं सकता मुड़ नहीं सकता इनू कोई टाल नहीं सकता। यह निर्णय पूर्वक अटल वाहिगुरु का हुक्म है इनू कोई रोक नहीं सकता। गुर जाए हर प्रभ पास जियो। इस करके धन गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि असी भी उस हरी दे पास ही जा रहे हैं जिहदा हुक्म अटल चलता है। हे प्यारे गुरसिखो सतगुर भाणा अपना। सतगुरु महाराज जी ने अपने सचखंड जाण दा भाणा वरताउणा है इसलिए उस वाहिगुरु की रजा सारिआं नूं मनाउण वास्ते धीरज देण वास्ते अपने कोले सच्चे पातशाह जी ने बहे परिवार सदाया सारे परिवार नूं सद्दा भेजिआ गुरसिखां नूं संगतां नूं भेजिआ गोइंदवाल साहब सुनिआ कि आओ हुण साडे पास बैठो जुड़ना करो अंतम समय का उपदेश सुनो। मत मैं पिछे कोई रोवसी। भाई मोहरी ने पुछिआ महाराज हुण तुही ज्योति जोत समाउणा है तुहाडी की आग्या है। महाराज कहते भाई माता भुल के भी जो असी सचखंड प्याना करिए किसी ने रोना नहीं पिटना नहीं योजा किसी ने किसी भी तरह का कर्म नहीं करना रोना पिटना आदक। सो मैं मूल ना पाया। जेड़ा रोवेगा वह सानू मूल उक्का ही नहीं चंगा लगेगा। सात संगत जी गरड़ प्राण विच आउंदा जो कोई प्राणी चढ़ाई कर जाता ना जे उस प्राणी दे निमित्त कहिंदे जिन्ने अथरू रो रो के धरती ते डिगदे आ ना परलोक दे प्याने विच उस रूह लई ओह दरिया बन जांदे आ रुकावट बन जांदे आ। रोना विरलाप करना एक गुरसिख आत्मा सन साध संगत जी संगरूर वल ओह जवानी की उम्र च चढ़ाई कर गए गृहस्थी सन छोटे छोटे बच्चे सन परिवार ने बड़ा विरलाप किया बहुत रोया करे। एक दिन उन्होंने अपनी सिंघनी उन्होंने सुती हुई सुपना आया वह सिंह कहन लगे अपनी धर्मसपत्नी कहिंदे तू सुखमनी साहब का पाठ करिया कर बच्चों लिए अरदास करिया कर रोया ना करो जिन्ना तुसी रोंदे हो उन्ना ही मेरी आत्मा जीव आत्मा इस धरती तो मोह की खिच पैंदी है ते मैनू तकलीफ हुंदी है भाणा मनो राजा विच रहो तुहाडी पालना सच्चे पातशाह आप करनगे तुसी बाणी पढ़िया करो। ये यथार्थ वचन है संगत जी। इस करके रोना पिटना नहीं कदे वास्ते भी वाहिगुरु के हुक्म विच। सो मता भुल के भी कोई रोवे ना विरलाप ना करे। सो मैं मूल ना पाया उक्का ही नहीं सानू वो चंगा लगेगा भावेगा नहीं। मित पैजै मित बिगसै। देखो किन्ना सतगुरु जी वैरागमई समा ते किन्ने आनंद विच सतगुरु जी उपदेश दे रहे हैं। कहिंदे मित्र नू पैजै नाम हुंदा सिरोपो प्राप्त होण दा। पुराने समयां विच जदों सिरोपो दंदे सन पूरी पोशाक पहना के राज दरबारां विच दित्ती जांदी सी। अज भी तख्त श्री हजूर साहब जदों किसी शख्सियत का सन्मान करदे उत्थे सिंह साहब पुजारी साहब तो पुजारी साहब दे गल विच वड्डा चोला कमलकसा श्री साहब परना दस्तार सजाउंदे आ। ये प्राचीन परंपरा है सिरोपो देण दी पूरी पोशाक पैर तो लैके सिर तक सिरोपो पहनाउणा। इस करके मित पैजै जदों किसी मित्र नूं सिरों पाओ पहनाया जाता है पैजै धारण करवाया जाता है तो कहिंदे उहदे मित्र उस सिरों पाओ नूं उस बख्शिश नूं जां इउं कह लो उस सन्मान नूं प्राप्त होण तो बड़े प्रसन्न होंदे आ। इहो जे मित्र नहीं होंदे जे किसी मित्र दे घर विच खुशी आवे ते उन्हां नूं कोई दुख तकलीफ हो जाए मन विच साड़ा हो जाए उन्हां नूं मित्र नहीं कहा जांदा। मित्र उह है मित्र तरक्की करे ते मित्र प्रसन्नता दे विच भर जाए। इस करके महाराज कहिंदे है जदों मित्र नूं सिरोपा पहनाया जांदा
ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿੱਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰੋ ਐ ਪੁੱਤਰੋ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ, ਭਾਈ ਸੰਬੰਧੀਓ ਭਰਾਵੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੈਣਾ ਵਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰੋਪਾਉ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰੋਪਾਉ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰੋਪਾਉ, ਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਆਪ ਰਾਜਯੋਗ ਤਖ਼ਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਤਖ਼ਤ, ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਟਿਕਾਇਆ ਟਿੱਕਾ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਟਿੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਰੂਪ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਦਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਬੰਧਪ ਸਮੱਧੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਜਗਿਆਸੂ, ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਪੈਰੀ ਨਾਮ ਚਰਨੀ ਦਾ, ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਾਓ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੋ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਭਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਤਲਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੇਰੀ ਸਤਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਬੋਲੇ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਵਾਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਇੱਕ ਰਸ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਓ। ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੱਦਿਓ,
सारी पंक्ति पढ़ दे। केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। कीर्तन तो बाद कथा हुंदी है। महाराज भाई मोहरी कहन लगा भी कोई पंडित सद के गरुड़ पुराण का पाठ जां उहदी कथा कराइए। महाराज कहिंदे नहीं, गुरबाणी का कीर्तन करना है। और जो केसो गोपाल पंडित सद्यो, जो केसो केसो नाम है, किंक सेती केसवा, जला विच सैन करन वाला जो परमात्मा उसनू केसव कहा है। इस करके महाराज कहिंदे पिंड पत्तल मेरी किरिया दीवा, जो केसो वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जपना ये पिंड भरने। हिंदू धर्म के विच जां सनातन धर्म कह लो, तीन तीर्थ मन्ने आ पिंड भराउण दे। एक बोध गया कह देंदे, वैसे गया जी है मुख, गया जी तीर्थ उत्ते, पुष्कर उत्ते और हरिद्वार विच। लोग अपने पितरां दी बजुर्गां दी कल्याण वास्ते जाके ना उत्थे साध संगत जी ओ जौआं दे आटे दे पिंड भराउंदे आ, पिन्ने च वट वट के उहनां दे निमित पिंड भराउणे हुंदे। जिहड़े अमीर है वह खोए दे पेड़े वट के वह पिंड भर देंदे आ। इह मृतक प्राणियां दी कल्याण निमित उहनां दे धर्म विच इह परंपरा है, उहनूं पिंड भरने कहा जांदा। महाराज कहिंदे भाई धन गुरु नानक साहब जी भी जदों गया जी विच गए, पांड्या ने कहा भी इत्थे सारे लोग पितरां दी गति कराउंदे आ, पिंड भरदे आ, तुसीं भी भराओ। तो महाराज कहण लगे नहीं, दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, ओए चानण ओए सोखिया चुका जम सुमेल। आसा राग विच शब्द उचारिया और वह गुरद्वारा साहब श्री गुरु नानक देव जी चरण पादका जी देव घाट फलकू नदी के उत्ते बहुत खस्ता हालत विच है, जिथे गुरु नानक साहब जी ने शब्द उचारिया। नौवें पातशाह जी भी उत्थे गए, बाबा श्री चंद जी भी उत्थे कुछ समा रहे। उत्थे भी महाराज जी ने इन्हां वादू रस्मां दा खंडन किया है, रहो विचार। सो भाई पिंड की भरने आ, महाराज कहिंदे केसो वाहिगुरु परमेश्वर का नाम जपना ये पिंड भरने। और गोपाल गो पृथ्वी का जो पालक रखियक है परमेश्वर, उहदा जिहड़ा नाम जपना, यही पत्तलां देनियां, पत्तलां ते भोजन दिंदे आ, यही पत्तलां देनियां हन। इस करके पंडित जिवें इत्थे गुरसिख संत महापुरख आए है, ब्रह्म बेते आए है, ये जिहड़े भाई ऐसे गुरसिख ब्रह्म बेते नाम जपण वालिआं नूं, ऐसे ज्ञानवानां नूं पंडित तों भाव लिया जांदा ज्ञानवान, ज्ञानवान महापुरख गुरसिख करनी वाले प्रभु नूं प्राप्त, उहनां नूं सद्दणा है, उहनां नूं बुलाउणा। भाई हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। ये प्यारे जो प्राणा दी कथा नहीं करनी, जेड़े 18 प्राण जा गरुड़ प्राण है, प्राणा तो भी जेड़ा प्यारा है, जा प्राणा दा भी जेड़ा आधार परमेश्वर वाहिगुरु है, उस वाहिगुरु दी कथा, परमेश्वर दे नाम दी कथा पढ़नी है, उचारनी। जदों कोई प्राणी भाई चढ़ाई कर जावे ना, तो अमृत वेले जय श्री दी वार दी कथा दस दे, ते शाम नू सहस कृति बाणी दी कथा ये जरूर करनी चाहिए। दो श्लोक दो पौड़ियां जय श्री दी वार दियां रोजाना जेड़ा प्राणी चढ़ाई कर दे उहदे निमित्त, छे श्लोक सहस कृति दी बाणी दी कथा ये रोज करनी चाहिए है दशहरे तक, ये सतगुरु जी का हुक्म है। इस करके गुरसिखो हर हर कथा पढ़े पुराण जी, प्राणा का जो प्यारा है उस वाहिगुरु के नाम की कथा उचारण करनी है, उस वाहिगुरु की बाणी की ऐ प्यारे कथा करनी है, होर प्राणा आदिक पोथियां की कथा नहीं करनी। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, अगे फिर स्पष्ट कर दता नाम की महिमा जेड़ी कथा विच सुनाई जाएगी ना, ओ हरि परमेश्वर दे नाम दी कथा उचारण करनी है। बेबाण हर रंग गुर भावे। भाई मोरी कहिंदा महाराज जी दे पुत्र पोतरे होण
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਬੁਸਤਰ ਦੇ ਸਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਅੱਗੇ ਪੜੋਤਰੇ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਵਾਣ ਕੱਢੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਾਣ ਹਰ ਰੰਗ ਗੁਰ ਪਾਵ, ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਬੇਬਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਬਾਣ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੋ ਦਵੈਤ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬੱਦਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਪਿੰਡ ਭਰਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੱਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਰਿਆ ਬਾਹਰੀ ਤੇਰੀ ਸਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲਗੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਢੱਕ ਪਲਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਡੂਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਟੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੁੱਢ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੇ। ਪਿੰਡ ਪਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਆਦਿਕ ਜਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੀਠਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਕੇਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਿੰਡ ਭਰਨੇ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ, ਕਥਾ ਕਰਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹਦਾ ਭੋਗ ਪਵੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿੱਤ 10 ਦਿਨ ਕਰੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਲੰਗਰ ਛਕਾਓ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਸਤਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਫੁੱਲ ਹਰ ਸਰ ਪਾਵੇ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹਰ ਸਰ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ, ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ, ਖਿੜੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ,
ਭਾਵ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ। ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਜੀਓ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦੀਆ, ਔਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਢ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਰਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੋਢ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੇਖ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜਾਏ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਉਚਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਰਜਾ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ, ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਦੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ ਪੈ ਗਏ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਪਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਣ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਵਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੈ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਕੰਡਾ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ, ਅੰਦਰ ਪੀੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਈਰਖਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਈਰਖਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਨਿਵਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ, ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪਵਾਂਗਾ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਵੇਂ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਮੋਹਣ ਨੇ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮੋਹਣ,
तू नहीं बोलता, नहीं साडा वचन मनदा, आग्या नहीं मनदा, नहीं चरनी पैंदा, अहंकार दा फरेमा ते तेरा ये फरेमा उदन दूर होएगा जदों इन्हां दे साहबजादे गुरु अर्जन देव जी दे चरनी मत्था टेकेगा, पोथियां उन्हां नूं दवेगा, उदों तेरा फरेमा दूर होना। हुण जिहड़ा कोई उह ईरखा करके निव्या नहीं, नमस्कार नहीं कीती, जे किसे ने फिर सतगुरु आण निवाया, फिर दुबारा गुरु अमरदास जी ने गुरु अर्जन रूप दे विच गुरु अर्जन देव जी दे रूप विच आ के नवा लिया, झुका लिया, नमस्कार कराई लई ना, बाबे मोहन ने नमस्कार कीती, फिर सतगुरु गुरु अर्जन देव जी नू हर गुर है पाणा दी वडियाई। ये सत बाणी दा देखो प्रतख, पहले दिन एक घटना घटी, भाई मोहन ने मत्था टेकिया, दूजे दिन भाई सुंदर जी ये बचन लिख रहे हैं इतिहासक गुरबाणी में भी, भाई मोहन महाराज नवा लिया तुसी गुरु साहब के बचन, इस करके आण आ के निभ गया, झुक गया, नमस्कार की, ऐसे तुहाडे बचन पूरे होए। तुर लिखिया हर गुर है पाणा दी वडियाई, ये गुरु साहब नूं पौंदा, हरि परमेश्वर नूं भी पौंदा, ये वडियाई जिन्हां नूं देनी सी। तुर लिखिया लेख रजाई जीओ, ये तुरों वाहिगुरु दी रजा विच लेख गुरता गद्दी दा लिखिया होया सी, श्री गुरु रामदास जी नूं ये गुरता प्राप्त होनी। हे प्यारियो, प्यारे सतगुरु श्री गुरु रामदास जी नूं गुरता दा तख्त मिलना सी। कहै सुंदर सुनो संतो, धन भगत सुंदर जी महाराज दे पड़पोतरे, पुत्र भाई मोहन, पोतरा भाई आनंद, भाई आनंद दे पुत्र भाई सुंदर जी, ये पड़पोतरे सन तीसरे पातशाह जी दे। इन्हां नूं भगत शब्द जिवें मैं पहला भी कहा, इन्हां बाबत संत बाबा सुंदर सिंह जी ने भी भगत शब्द वरत्या, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा जी ने भी भगत शब्द वरत्या। भगतां दी बाणी, गुरसिखां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है, इस करके भगत सुंदर जी कह रहे हैं महाराज दे पड़पोतरे भाई सुंदर जी, ऐ संतो ऐ गुरसिखो सुनना करो ध्यान नाल, सब जगत पैरी पाए जियो, सारा संसार ही गुरु अमरदास जी दे चरनी पै गया, सारा संसार श्री गुरु रामदास साहब जी दे चरनी पै गया, सारा संसार ही श्री गुरु अर्जन देव जी दे पैरी भाव चरनी पै गया, भाव सतगुरां दे चरनी सारे पै गए, जिहड़े पै गए ओह छुट गए। सो आपां वी भाई मन बाणी शरीर करके धन श्री गुरु रामदास साहब जी नूं, श्री गुरु अर्जन देव साहब, धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं नमस्कार करिए, इन्हां दे चरनी पईए ते साडा वी जम्मण मरन कटिया जाए। ये सतगुरु जी ने सत बाणी दी कथा आप कृपा करके करवाई है, तो बड़ा प्रेम सी इन्हां महापुरखां नाल, संत बाबा प्रीतम सिंह जी नाल, सात संगत जी एक बचन करके मैं बहुता लम्मा ना अगे जावां। संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने मैनू आप दसिया, कहिंदे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दे समय मैं इत्थे संत बाबा जरनैल सिंह जी दे दर्शन करन गया, ते संतां ने बड़ा प्यार किया, प्रेम करन तों बाद एक बचन किया, कहिंदे संत बाबा जरनैल सिंह जी ने बड़े ध्यान नाल सुनन वाला, कहिंदे बाबा जी संगतां नूं प्रेरणा दे के अमृत छकाया करो, भावें एक प्राणी हो जाए, भावें पांच भावें दस। बाबा जी कहन लगे मैं उस दिन तो यह पक्का प्रण कर लिया कि मैं ते हर ऐतवार संगरांद नूं अमृत संचार हुंदा सी, एक सिंह तैयार होना, मैं उही संगरांद ते अमृत छकण लई लैके जाणा, पंज हो जाने पंज लैके जाने, दस होने दस, पंद्रह होने पंद्रह, जे वध सिंह होने ता टकसाल विच्चों सिंघां नूं लिया के इत्थे अमृत संचार इस अस्थान ते करवाउणा। एक प्राणी नूं कोई बंदा आस्तक बना दिंदा उहदे सारे जीवन दे पाप धोते जांदे आ, सब तों वड्डा पुन उहनूं लगदा, किथे आस्तक नूं नास्तक बना देना इह दुनिया दा सब तों वड्डा पाप है। तो बाबा प्रीतम सिंह जी ने हजारां प्राणियों नूं प्रेरणा दे दे के खंडे बाटे दा अमृत छकाया।
आप अमृत दी रहत दे विच तैयार पुर तैयार रहे। और मैनू मैते एक दिन गए कहन लगे शरीरां दा कोई पता नहीं हुंदा, ते कई वेरी संगतां विच कई तरह दीआं गल्लां चलदीआं, मेरे मन दा फुरना कि मैं भाई गुरदेव सिंह नूं इस अस्थान की जिम्मेवारी संभाल दिया। मैं क्या बाबा जी सलाह करन इन्ना सत्कार वो जथेबंदी का करते स, मैं क्या जी तो वधिया की फैसला हो सकता, तुहाडी इच्छा तुसी मन चों प्रसन्न है, टकसाल दे विच्चों उन्होंने विद्या पढ़ी है ज्ञानी गुरदेव सिंह जी ने, ते विद्वान सिंह किसे स्थान ते सेवा करे तो बहुत चंगी गल है। कहिंदे ठीक है साध संगत जी। ज्ञानी गुरदेव सिंह जी 91 विच 1991 विच संत बाबा प्रीतम सिंह जी कोले इत्थे आए सेवा विच, और बाबा प्रीतम सिंह जी नूं ज्ञानी जी ने बेनती की भी ज्ञानी जी कहन लगे बाबा जी मेरा गुरबाणी की संथ्या करन दा विद्या पढ़न दा फुरना, मैं दमदमी टकसाल विच मैते जाके विद्या पढ़नी चाहुंदा। कहिंदे चंगा भाई पढ़ लै। ज्ञानी जी दसदे मैं बाबा जी महापुरख संत बाबा ठाकुर सिंह जी कोले गया ते मैं विद्या पढ़न की इच्छा की भी मैनू जथे विच रख लो। बाबा जी कहिंदे भाई तेरी जिम्मेवारी कौन चकूगा, भी केड़ा संघ तेनू जथे च रखा के जाएगा, किने जिम्मेवारी तेरी चकनी है, जिहदा बचन मन के जिहदी शादी मन के असी तेनू जथे विच टकसाल विचों विद्या पढ़ाईए। तां कहिंदे फिर मैं संतां नू लैके गया, बाबा प्रीतम सिंह जी ने जिम्मेवारी बाबा जी अगे चक्की, बाबा जी बड़े प्रसन्न होए, कहिंदे एडे वड्डे साधु, ते कहिंदे ठीक है भाई गुरदेव सिंह तू विद्या पढ़। 91 तो लैके 97 तक ज्ञानी जी ने टकसाल विच रह के महापुरखां कोलों गुरबाणी की गुरमत की विद्या प्राप्त की, ते बहुत सुंदर कथा करन की दात इन्हां नूं महाराज ने बख्शिश की जथेबंदी विचों। ते संत प्रीतम सिंह जी कहन लगे महापुरख, कहिंदे भाई तू विद्या पढ़ के फिर साडे कोल ही आ जाई, इत्थे इत्थे आके तू सेवा करी, कथा करी, सिंघां नूं संथ्या कराई। ते फिर सत्कार जो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी 97 विच बाबा जी दे कोल इत्थे आए, बाबा जी नूं पुछ के बाहर अंदर विदेशों विच भी जांदे रहे कथा वास्ते। तो महापुरखां ने फिर 27 मार्च 2013 विच जिहड़ा वड्डा जोड़ मेला भगतां दा हुंदा, उह जोड़ मेले ते तुसीं तस्वीर भी देख रहे हो, संत बाबा प्रीतम सिंह जी ने अपने हुंदिया शरीर दे हुंदिया 13 विच इत्थे इन्हां नूं इस स्थान की जिम्मेवारी की दस्तार दे दित्ती, सिरोपौ दे दित्ता। सो साध संगत जी सिरोपौ संत बाबा प्रीतम सिंह जी इस स्थान की जिम्मेवारी का ज्ञानी गुरदेव सिंह जी नूं दे चुके हैं। अज सारियां संप्रदावां दे जथेबंदियां दे वख-वख स्थानां तों महापुरख आए हैं। सो दमदमी टकसाल वालों भी, गुरमत सिद्धांत प्रचारक संत समाज वालों भी, इलाके दे संतां महापुरखां वालों भी, नगर तरसिक्के दे वालों भी, सारी पंचायत वालों, सारे इलाके वालों, हुण कथा की समाप्ति तो उपरंत सत्कार जो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी नूं दस्तारबंदी की जाएगी। ये रस्म हुंदी है, गुरु घर दे विच इह निभाउणी चाहीदी है, जिम्मेवारी बन जाती है। मैं सत्कार जो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी नूं बेनती करांगा कि संत बाबा प्रीतम सिंह जी की किन्नी कमाई सी, और हाल की जो सेवा शुरू की, मैं क्या बाबा जी हाल की सेवा शुरू कर ली वड्डा कारज है, कहिंदे धन गुरु अर्जन देव जी ने आपे करा लेना, बहुत छेती ये सेवा हो गई, बहुत छेती उन्हां दी कमाई इन्नी सी। बड़ा सुंदर स्थान बनिया होया, सत्कार जो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी नूं मैं बेनती करांगा कि वध तो वध इस स्थान ते सिंघां नूं गुरबाणी की शुद्ध संथ्या कराउण, गुरमत दा कथा कीर्तन दा प्रवाह चलाउण, अते डट के चढ़दी कला नाल सेवा कर। दमदमी टकसाल तुहाडे नाल हमेशा, सारे महापुरख तुहाडे नाल, सारी संगत तुहाडे नाल,
डट के सेवा करनी है। सो अगे आप बाबा जी नू महापुरख बाबा प्रीतम सिंह जी नू बाबा जी दे लकब नाल संबोधन करते रहे हैं। अज तो बाद सत्कार जो ज्ञानी गुरदेव सिंह जी नू भी आप उही लकब बाबा गुरदेव सिंह जी का सारी संगत वालों बख्शते हाँ। तो बाबा गुरदेव सिंह जी डेरा भगता तरसिका वाले दस्तारबंदी होएगी। बहुत सत्कारयोग शख्सियत आई बैठिया हैं। सत्कारयोग संत बाबा सज्जन सिंह जी गुरु की बेर वाले, संत बाबा गुरभेत सिंह जी खडाले वाले, बाबा गुरभेत सिंह जी खडाले वाले बुलारे संत समाज, जथेदार बाबा मान सिंह जी गुरु नानक दल मड़िया वाले, होर भी बहुत महापुरुख है। सत्कार जो ज्ञानी दीवा सिंह जी जो दमदमी टकसाल के प्रसिद्ध विद्वान है, वह भी सारिया के नाम थोड़े अगे रखे अपने बोलन दौरान। सैकटरी साहब सारिया का ही बहुत बहुत धनवाद, सारी संगत का कोट कोट धनवाद। भुला चुका खिमा करनी आ, इतनी हाजरी प्रवान करनी। आओ संगत जी हम कथा की आप समाप्ति करिए। हर गुर है पाणा दी वड्याई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो, कह सुंदर सुनो संतो, सब जगत पैरी पाए दियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।